कुर्सियां पाएंगे। 2023 में होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भिलाई पहुंचे और इस दौरान भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में विकास के नाम पर भाजपा शासन में जो काम बचे हैं सिर्फ वही किया गया है, इसके सिवाय भूपेश सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। आई डीसीडी कुछ खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेश सरकार ने किसान और खेतों के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी चुनाव आ रहे हैं इसलिए कृषि क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने ये बातें भिलाई स्थित आवास पर बसपा पदाधिकारियों की बैठक और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कही। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ी यात्रा पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भारत को किसी ने नहीं तोड़ा है, इसलिए जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्हें भारत के बारे में सोचना चाहिए और भारत के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पूरा भारत प्रधानमंत्री के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में भारत की जनता को ये समझाना चाहिए कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में हम कहाँ खड़े हैं और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं। अमृत महोत्सव पर 75 झील बनाने के फैसले पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के समय ये सोचने का समय है कि इस बीच क्या किया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा से 75 अमृत सरोवर बनाने का फैसला किया है और घर घर जाकर तिरंगे के नाम पर जन आंदोलन चला। देश के लोगों को ऐसा माहौल पहले कभी भी नहीं मिला। आज भारत दुनिया में नंबर वन है। साथ ही मंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रहे हादसे पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्लांट में लगे मशीन टूल्स काफी पुराने हैं और बदलने की व्यवस्था की जा रही है। मशीनों के पुराना होने के कारण उत्पादन में भी गिरावट आ रही है और जल्द ही इन उपकरणों की मरम्मत की जाएगी या फिर उन्हें नए के साथ बदल दिया जाएगा। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रही बुलंद हिंदुस्तान के साथ।